इस तरह का डैम में अगर आप सभी को सैर करना है तो आप लोग जरूर सहीएगा, मेरा जीजा आप सभी को सबको घुमाने के लिए रेडी है। अभी हम लोग को नहाना धोना हो गया है गाइज। गाइज मेरा जो शरीर है ना, अभी कुछ दिन पहले बुखार हो गया थे जिसकी वजह से मेरा शरीर अभी क्या कि बहुत ही डाउन हो गया है। हे गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो गाइज अभी सुबह की वक्त में मेरी और से आप सबको गुड मॉर्निंग एंड जय श्री राम। तो गाइज आप सबको इधर नया नया चेहरा दिख रहा होगा मेरा घर में। तो गाइज जैसे कि कल का ब्लॉग में मैंने आप सबको दिखा दिया था कि हम दोनों कल गांव तरफ आ गए थे, तो जगदीश को भी मैंने साथ में लेके आ गया था क्योंकि जगदीश को गाँव का नज़ारा बहुत ही अच्छा लगता है मेरा गाँव का। तो अभी अभी हम दोनों सो के उठे हैं जस्ट आधा घंटा पहले, और अभी धूप दे दिया है और अभी बजे सुबह का 7 बज गया है। तो आज इनको थोड़ा बहुत सेकंड टाइम तक घुमाएंगे फिराएंगे गांव में, जो कुछ भी नया नया चीज़ दिखाना है वहाँ वो सारा चीज़ दिखाएंगे और जितना ज़्यादा हो सकेगा आसपास टूर कराएंगे। और गाइस आप सभी को भी दिखाऊंगा कि गांव आसपास का नज़ारा कैसा है। तो चलिए गाइस ब्लॉग पे बने रहिएगा। तो अभी हम दोनों जाएंगे नहाने, तो डैम तरफ जाने का प्लानिंग है अभी ऐसे तो सुबह सुबह में। तो जगदीश कुछ कहना चाहोगे तो क्या कहेंगे, सुबह का नज़ारा बहुत ही अच्छा है, गांव है बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गाइस। तो गाइस इधर में अभी काम धाम सब चल रहा है, तो इधर देख सकते हैं इधर का जो दीवार है ना बहुत इधर टूट फूट गया था, तो अभी भाभी इधर में मिट्टी सबको सान के रखी है, तो ये मिट्टी को सान के और ऊपर से दीवार में लिपने का काम करेगी क्योंकि हम लोग का अभी पर्व त्यौहार भी पहुँच रहे हैं माघ पर्व 23 फरवरी। गाइज आप में से किसी को अगर आना है तो आप आ सकते हो। तो इधर आसपास में आप सभी को बहुत ज़्यादा धान का भंडार दिख रहा था होगा, लेकिन अभी फिलहाल ख़त्म हो गया काम धाम सब। तो इधर से कुछ नज़ारा कुछ इस तरह से है। तो जगदीश के साथ अभी जाएंगे इधर डैम की ओर, और मेरा घर तो ये है और ये है, आप सबको पता ही है। आज का मौसम भी बहुत ही अच्छा है गाइज, पूरा साफ एकदम सुहाना। चलते ना। तो गाइज अभी हम दोनों इधर डैम तरफ पहुंचे हुए हैं, गाइज आप सभी को पीछे डैम का नज़ारा दिख रहा है। तो जगदीश को ठंडा ठंडा लग रहा है क्योंकि इतना डैम का पानी जो है ना वहाँ से उठते हुए एकदम ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है और मौसम भी इधर अच्छा लगता है। इधर का जो इधर का तो जलवायु है बहुत ही अच्छा लगता है, ठंडा 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 जलवायु। तो अभी हम दोनों यहाँ से बात घूमेंगे फिरेंगे और आप सभी को भी दिखाएंगे क्या क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, हम दोनों क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं सारा कुछ दिखाएंगे आप सभी को। हम दोनों डैम का सबसे नीचे जगह पहुंचे हैं जहां से सप्लाई है, जहां से पानी गिरता है ऊपर साइड से, इस जगह पर भी नहाएंगे यहां पे और बहुत ही साफ साफ पानी है। तो उधर से भी हम लोग नहा सकते थे लेकिन उधर भी थोड़ा पथरीला जगह है, मतलब पत्थर सब रखा हुआ है, तो उस जगह पे पैर सब फिसलने का ज़्यादा चांस रहता है, तो इसी वजह से हम दोनों यहाँ पर नहा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा गड्ढा है तो आराम से नहा सकते हैं यहाँ पे। अपने जगदीश भाई पूरा ठंडा ठंडा पानी में नहा लिया है। और गाइस बहुत ही फ्रेश लगता है इस पानी में नहा के। अभी हम लोगों को नहाना धोना हो गया है गाइस। गाइस मेरा जो शरीर है ना, अभी कुछ दिन पहले बुखार हो गए थे जिसकी वजह से मेरा शरीर अभी क्या कि बहुत ही डाउन हो गया है, तो मैं कोशिश करूंगा शरीर का थोड़ा सा फिटनेस फिर से भी बनाएंगे। तो जगदीश का भी पेट निकल गया गाइस, लेकिन बनाएगा जरूर से, लेकिन मेरा पेट तो पूरा घुस गया अंदर गाइस। अभी हम दोनों का जगदीश के साथ सुबह का जो भी खाना पीना था तो हो गया है। तो पीछे मेरी मम्मी बैठी हुई है और इधर मेरे भाभी, घर का लिपाई करने का अभी काम चालू है ना, अभी पर्व त्यौहार से पहुँच रहे हैं। तो कैसा मिट्टी को साना जाता है आप सबको दिखाएंगे। जैसे शहर में आप लोग सीमेंट कंक्रीट वगैरह आप मिलाते हैं, तो गांव में ऐसा बिल्कुल विपरीत है। तो आप सबको थोड़ा बहुत एक क्लिप दिखा देना चाहूँगा।
तो गाइस गांव में इस तरह का काम चलता है, अभी मिट्टी को साना जा रहा है और दीवार में आप सबको देख रहे हैं कि इस तरह से ये अभी फिनिशिंग किया जा रहा है। अब इसमें बहुत और दो तीन लेयर्स में डाला जाएगा, ऐसा काम चलता है गाइस, देख सकते हैं। ये रहा गोबर, भाभी हंस रही है उठे रहे पानी। तो गाइस इधर में मामू बड़ाई का काम कर रहे हैं, इसको ऑर्डर आया है। कहाँ से ऑर्डर आया मामू? पंसो गांव से ऑर्डर आया है। तो गाइस अभी हम दोनों जा रहे हैं जगदीश के साथ, अभी ट्रेवल करने जा रहे हैं। तो इधर आसपास का कुछ नज़ारा इनको मैं दिखा देना चाहूँगा, तो चलिए गाइस ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी फिलहाल चलते हैं। तो अभी हम दोनों घर से निकल चुके हैं, ये रहा गाँव, आप सबको दिख रहा होगा। तो गाइज अभी हम दोनों जगदीश के साथ कुटपी गांव पहुंच चुके हैं। तो इधर साइड में थोड़ा जगदीश को सैर कराएंगे, डैम का सैर कराएंगे। तो अभी हम दोनों को मेरा जीजा लेके जाएगा, तो वहां नीचे नाव है तो जगदीश उधर गया हुआ है, आओ। तो इधर ऊपर सब घर सब है इधर में, तो आप सबको दिखाएंगे जीजा को। तो जगदीश एक्साइटेड हो घूमने के लिए? एक्साइटेड है डैम में घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा खुश है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं डैम। चलिए गाइज अभी चलते हैं फिलहाल। गाइस अभी हम लोग डैम के जस्ट किनारे पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जाल सब दिख रहे हैं, बहुत ही अलग अलग तरह का, बहुत बड़ा बड़ा जाल है। नहीं नमा कितना? तो गाइस देख, ये सब मेरे जीजा का है, ये सब जितना भी है। तो अभी हम लोग को ये लो नाव में बैठना है, तो अभी जीजा चलाएगा। उधर किनारे बैठो, तभी वाला में हम लोग सैर करेंगे। उस जगह तक हम लोगों को पहुंचना है और चले वहां का मस्त मस्त नज़ारा दिखाएंगे। बीच में बैठो, बीच में, हाँ हाँ। तो चले गए फिलहाल हम, नुको या ओए आप या नहीं इधर आओ, लो फोटो लो इसमें से। जीजा भी हाँ किनार से अभी नाव को ठेल दिया है, तो अभी हम लोग पानी के अंदर हम लोग घुस चुके हैं। और जगदीप तुम इधर उधर मत हिला लेकर, हाँ। तो कुछ इस तरह से चलाया जाता है, आप सभी को दिख रहा होगा। एक्चुअली इधर साइड में मशीन वाला बोट था, तो मुझको लगा कि इधर में मशीन वाला बोट होगा, तो वो सोच के हम आए हुए थे। तो लेकिन अभी इधर में नहीं है, क्योंकि इधर आसपास इधर गांव में टूरिस्ट लोग बहुत कम आता है, और टूरिस्ट लोग जिस जगह पर आता है उस जगह पर भी मैं आप सबको दिखाऊँगा। तो इधर हम लोग का बाबू बैठा हुआ है और उधर जगदीश किनारे में बैठा हुआ है, और पानी हम लोग के जस्ट सामने है गाइस, देख सकते हो। फोटो पूरा फोटो लेना उधर, चलो अंदर में। पहले हम अकेला आए थे एक बार। गाइस अगर आप में से किसी को अगर आना है बोटिंग में, अगर ना इस तरह का डैम में अगर आप सबको सैर करना है, तो आप लोग जरूर सहीएगा, मेरा जीजा आप सभी को सबको घुमाने के लिए रेडी है। न जगदीश तुम अपना गर्लफ्रेंड सबको लेके आओ, हम लोग घुमाएंगे इधर में। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच रहे हैं केज तो कुमता केज हम लोग पहुंच रहे हैं, और जस्ट सामने पहुंच गया, और आप सभी को मस्त मस्त मछलियां दिखाएंगे आप सभी को। जगदीश तुम कितना प्रकार का मछली देखे हो अभी तक? में बहुत ही कमी देखे हो, यहाँ पर अजीब किस्म का प्राणी मिलेगा तुमको। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गेट जगह, बहुत संभाल के चलना पड़ता है। हाँ अल्बेस्टर सब में पैर सब कटा जाता है ऐसा बोला जाता है, उसमें मत छुओ, ये लोग ड्राइवर लोग आराम से हैंडल सब सीधा कर लेगा।
तो गाइस जगदीश आराम से आओ, हाँ हिल जाओ तो ज़्यादा गिर जाओगे। देखो इधर नेट लगाओ, ऐसे तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। चलो आओ आगे आओ। तो गाइस चलिए आप सभी को यहाँ आसपास का मछली दिखाएंगे आप सभी को, और बहुत बड़ा है। यहाँ घूमने में एक घंटा लगता है बोलता है, यहाँ घूमने में एक घंटा लगता है बोलता है, आधा घंटा आसपास लगता है बोलता है। मतलब बहुत बड़ा एरिया में बना हुआ है। अभी हम लोग सबको, जीजा हो गया, जगदीश हो गया, मेरा छोटा भाई, उन लोग साथ हम लोग अभी चल रहे हैं। अभी हम लोग प्रकृति का सैर करेंगे अभी, मस्त मस्त। और ये समय अभी सामने सामने में अभी मछली सब नहीं दिख रहा है, तो इस समय अभी खाली होगा शायद। नंडे तो हाई को दबांग को नंडे। अभी मछली सब छोटा छोटा हुआ है, तो जिसके वजह से अभी उतना देखने को नहीं मिल रहा है, तो आगे साइड थोड़ा ज्यादा होगा शायद। बहुत दूर दूर तक है गाइस, देख सकते हो। खर्चे मेरे को उठूंगा पूरे करके। तो गाइस इसमें मछली सब दिख रहा है, लेकिन आप सभी को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मुझे नहीं पता। मेरा जीजा का कहना है कि जब इसमें चारा डालिएगा तो उसमें मछली लोग बहुत ज़्यादा निकलता है, तो अभी फिलहाल मछली सब जितना भी है सब अंदर में है इसमें। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ आसपास का जितना भी घूमना था तो हम लोग सभी और घूम लिए हैं। ये सभी लोग अपना नौका जगह हम लोग पहुँच चुके हैं। चलो जगदीश गुस्सा, तो हमारा जगदीश तो डर डर के चल रहा है। क्या जगदीश? हाँ चलो इधर साइड में बैठिए किनारे में। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, जगदीश पानी का आनंद ले रहा है। गाइस ये जो गांव है इधर पानी साइड से देखने से सामने जंगल है, और बहुत ही अच्छा अच्छा पेड़ पौधा सब कलरफुल है आप देख सकते हो। ऐसा जगह पे आना लोगों का एक सपना होता है, जैसे स्विट्जरलैंड एक देश है जहाँ से इस तरह का जगह मैंने देखा है, तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है। तो आज उन्हीं जगह का याद आ रहा है मुझको भी। तो बाबू तो यहाँ पर हम लोग मस्त टाइप में खेल रहे हैं। ये बाबू तो हम लोग का इसका घर सामने है, तो ये हर रोज खेलता है पानी में। गाइस हम लोग का किनारा पहुंच चुका है। गाइस यहाँ पर नलको पानी के अंदर बना हुआ है। चलो 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 बाबू, कोई अच्छा पलमा रखू देखने। चलो मैया मंडे जम के दम या दला वसना उदला। अभी हम दोनों जगदीश के साथ डैम तरफ घूमने गए हुए थे, जैसे कि मैंने आप सबको दिखा दिया। तो फाइनली अभी हम दोनों घर पहुंच गए हैं। तो अभी हम दोनों को जाना है चैबासा, तो चैबासा जाने का अलग से ब्लॉग बनाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो गाइज आज का ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। तो आई होप गाइज आप सभी को आज का मेरा ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया, तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं गाइज आप सभी के साथ दूसरे नए ब्लॉग में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।